देश में चुनाव चल रहा है और चुनावी मुद्दे होते हैं शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार। लेकिन ये मुद्दे लापता हैं या लापता किए जा रहे हैं। आप प्रधानमंत्री मोदी का कोई भी भाषण उठाकर सुन लीजिए, कहीं भी ये नहीं बताया जाता है कि महंगाई को कैसे कंट्रोल किया जाएगा या कितने लोगों को रोजगार देंगे और दिया है। साथ ही भ्रष्टाचार पर लगाम कैसे कसी जाएगी। हर रैली, हर भाषण में सिर्फ विपक्ष को कोसते नजर आते हैं और विपक्ष को कोसते कोसते हर बार कुछ नया मुद्दा ही उठा लाते हैं, जबकि उसका मौजूदा वक्त की राजनीति से कोई लेना देना नहीं है और विपक्ष भी बीजेपी के द्वारा बुने हुए इस जाल में फंस जाता है। जनता को चाहिए विकास, अच्छी शिक्षा, महंगाई से मुक्ति, लेकिन ऐसा क्या है जो लोग इसके बारे में बात नहीं करते? ऐसा क्या है जो लोग पीएम मोदी से नाराज नहीं दिखते? दरअसल उन्हें मोदी से ब्रांड मोदी बनाने में सोशल मीडिया सेल का बहुत बड़ा हाथ है, जो चुनाव से पहले की चुनाव की तैयारियों में जुट जाती है। 73 बरस के प्रधानमंत्री मोदी का सोशल मीडिया पर ऐसा दबदबा है कि लोग मोदी मोदी के नाम की माला जपते रहते हैं। सरकार तो मोदी की बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मायने रखते हैं। कुछ लोगों के लिए वो भारत के सबसे ताकतवर पीएम हैं, वहीं कुछ लोगों की नजर में वो एक निरंकुश नेता है। लेकिन आप इस बात से कतई इनकार नहीं करेंगे कि लोगों में उनका बज है। लोग बीजेपी को नहीं बल्कि मोदी को वोट देना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि नए युवाओं को विचारधारा पर यकीन नहीं रहा और ना ही राजनीतिक वंशों को लेकर कोई मोह, फिर चाहे उन्होंने जो बलिदान किए। बीजेपी की सरकार के वक्त आई कोरोना वायरस की दूसरी लहर में लाखों लोगों की मौत हुई। उस वक्त लोगों में काफी नाराजगी थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि सब कुछ भुला दिया गया है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान पर हैं, नौकरियों में कमी दर्ज की जा रही है, लेकिन लगता है जैसे लोगों के दिमाग पर फितूर छाया है। वे कहते हैं चाहे सिलेंडर 5,000 का हो जाए, पेट्रोल 2,000 लीटर हो जाए, लेकिन वोट बीजेपी को ही करेंगे। अब की बार मोदी सरकार, पिछली बार मोदी सरकार थी, अब की बार भी मोदी सरकार। आप नरेंद्र मोदी से इत्तेफाक ना भी रखते हो तो भी इस बात पर एक राय होंगे कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल कब और कैसे करना है, ये पीएम मोदी बखूबी जानते हैं। भारत में युवा पीढ़ी में स्मार्टफोन का क्रेज है। भारत में करोड़ों युवा स्मार्टफोन चलाते हैं और हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनकी मौजूदगी है। युवा सोशल मीडिया से इतना प्रभावित है कि सोशल मीडिया पर आए मैसेज या वीडियो पर पूरी तरह से भरोसा करते हैं, और ये बात पीएम मोदी की सोशल मीडिया टीम बखूबी जानती है। और इसे वर्ग तक पहुँच बनाने के लिए पीएम मोदी ने सोशल मीडिया को अपना औजार बना लिया। इसलिए चुनाव के लिए सोशल मीडिया फर्स्ट प्रायोरिटी होता है, और इसके लिए पीएम मोदी ने करोड़ों रुपए खर्च करके सोशल मीडिया के एक्सपर्ट टीम बनाई है, जिसमें देश के जाने माने टेक्निकल और सोशल मीडिया एक्सपर्ट शामिल हैं। इस टीम ने सोशल मीडिया के जरिए अब की बार और अच्छे दिन जैसे जुमले घर घर तक पहुंचाए, साथ ही हिंदुत्व की भावना को भी बढ़ाया। लेकिन इसी बीच यहाँ ये भी जिक्र करना जरूरी है, बीजेपी के मीडिया सेल पर फर्जी और भड़काऊ मैसेज प्रसारित करने के आरोप हमेशा लगते रहते हैं। विपक्षी हमेशा कहते हैं कि बीजेपी हिंदुत्व और फर्जी खबरों का सहारा लेकर लोगों का ब्रेन वॉश करती है ताकि लोग डरे और बीजेपी को वोट करें। विपक्ष कहता है कि बीजेपी लोगों को डराती है कि अगर देश में बीजेपी की सरकार नहीं रही तो उन्हें देश विरोधी ताकतों से कोई नहीं बचा पाएगा। नरेंद्र मोदी करीब 10 साल से सत्ता में है। बीजेपी में चाहे कितने बड़े नेता हों, उन्होंने दूसरे नेताओं के लिए कहीं कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है। काम किसी भी मंत्रालय या विभाग का हो, लेकिन जनता क्रेडिट मोदी को ही देती है। आप किसी से भी पूछ लो चांद पर यान कौन लेकर गया, जवाब आएगा मोदी। आप पूछिए मेट्रो किसने चलाई, जवाब मिलेगा मोदी। इसके साथ ही मोदी जब जगह जगह नजर आते हैं तो सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर लोग उन्हें देखते हैं। वे सरकार के हर मंत्रालय की वेबसाइट के पहले पेज पर हैं। वे रेडियो पर सुनाई देते हैं, टीवी पर भी छाए रहते हैं, हर जगह होर्डिंग और कटआउट में भी पीएम मोदी ही दिखते हैं। देश के हर शहर के चौराहों, हवाई अड्डों, पेट्रोल पंप, सरकारी संस्थानों और रेलवे के प्लेटफॉर्म तक पर पीएम मोदी की तस्वीर हर जगह मुस्कुराती हुई नजर आती है। चप्पे चप्पे पर ऐसी मौजूदगी मोदी से पहले किसी और पीएम की
कभी नहीं रही। कहा जाता है कि तस्वीर का असर आवाज से ज्यादा होता है, इसलिए कई लोगों का मानना है कि वो नेता जिसका चेहरा बिलबोर्ड से लेकर वैक्सीन सर्टिफिकेट तक, न्यूज़पेपर से लेकर टीवी विज्ञापनों तक सभी जगहों पर छाया हुआ है, भला वो लोगों के मन पर कैसे नहीं छाएगा। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।